Men come and go, the mountains remain. Hi everyone, मैं कृतिका और मैं आपका स्वागत करती हूँ न्यूज मीडिया 47 के बुक रिव्यू के एपिसोड 4 में। आज हम जिस बुक का रिव्यू कर रहे हैं उसका टाइटल है पेटल्स ऑन द गंगा। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है बाई रस्किन बॉन्ड। ये 23 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। ये स्टोरीज नॉन फिक्शनल स्टोरीज हैं। अब मैं आपको कुछ बातें रस्किन बॉन्ड के बारे में बता दूं। रस्किन बॉन्ड की पहली किताब जब वो 17 साल के थे तब आई थी। उस बुक का टाइटल है रूम ऑन द रूफ। ये बुक में जो मेन कैरेक्टर है इस बुक के अंदर रस्टी, वो रस्किन बॉन्ड की बहुत ही सारी किताबों का कैरेक्टर है। जब आप रस्किन बॉन्ड की किताबें पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ फील होंगी। रस्किन बॉन्ड जो कहानियाँ लिखते हैं वो देहरादून के बारे में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि रस्किन बॉन्ड का बचपन देहरादून में निकला है, उनका अडल्टहुड भी देहरादून में निकला है। एक जो बहुत ही स्पेशलिटी है रस्किन बॉन्ड की किताब की कि वो बहुत ही सिंपल स्टोरीज लिखते हैं। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज नहीं लिखते हैं जिससे कि आपको समझने में परेशानी हो। बहुत सिंपली रिटन स्टोरीज होती हैं तो पढ़ के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये बुक भी उन्हीं किताबों में से एक है जो देहरादून के बारे में है, रस्किन बॉन्ड के बचपन के बारे में और कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में। मैं अब आपको बताऊं कि बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। पहली, क्योंकि अगर आपको ऐसा मन हो रहा है कि कोई आप ऐसी बुक पढ़े जो आपका मूड लिफ्ट अप कर दे तो ये बुक बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि इस बुक में शॉर्ट स्टोरीज हैं तो बुक के जो स्टोरीज हैं वो 3-4 पेजेस में ख़त्म हो जाती हैं और सारी की सारी स्टोरीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक लगती हैं, क्योंकि सारी स्टोरीज रस्किन बॉन्ड की पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं तो वो स्टोरीज कनेक्ट ना होके भी कनेक्टेड लगती हैं। सेकेंड, अगर आप नेचर लवर हैं, आपको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, आप नेचर के बारे में सुन के, ट्रीज के बारे में सुन के, एनिमल्स के बारे में सुन के बहुत एक्साइटेड फील करते हैं तो हाँ, ये बुक आपके बारे में। अगर आप नेचर के बारे में लिखना, सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं तो ये डेफिनेटली बुक आपके लिए है। इस बुक का कोई ऐसे समरी नहीं है क्योंकि एक लॉन्ग पूरी स्टोरी नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज है। तो मैं कुछ चीज़ें बता दूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है किताब के अंदर। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट में एक कुछ लाइन है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। पेज नंबर 7 पे है ये लाइन। आई हैड ग्रोन अप अमंगस्ट दोज ग्रेट ब्लू एंड ब्राउन माउंटेन्स, दे हैड नरिश्ड माई ब्लड एंड दो आई वॉज सेपरेटेड फ्रॉम देम बाई थाउजेंड ऑफ माइल्स ऑफ ओशंस प्लेन एंड डेजर्ट, आई कुड नॉट फॉरगेट देम। इट इज ऑलवेज द सेम विथ माउंटेन्स, वंस यू हैव लिव्ड विद देम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम यू बिलोंग टू देम, देर इज नो एस्केप। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे इस किताब से। अब मैं आपको अपने कुछ फेवरेट चैप्टर्स बता दूँ इस किताब के अंदर के। पहला, ग्रैंड्स किचन, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस बुक की एक बहुत ही स्पेशल बात है कि सारी स्टोरीज एक बहुत ही फेमिलियर टच देती हैं आपको, तो बहुत ही बेस्ट बात है। जब पढ़ेंगे तो आपको फील होगा आप उसी जगह पे, यार आप रस्किन बॉन्ड का कैरेक्टर में है और आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं। तो मैं बताऊँ इस कहानी में क्या है। इस कहानी का एक बहुत ही मेन पार्ट है जो मैं आपको बताती हूँ। रस्किन बॉन्ड की ग्रैनी के पैसे खत्म हो जाते हैं, वो पिकल्स बनाती है देहरादून के बेस्ट पिकल्स उनकी ग्रैनी बनाती है, तो वो पिकल्स लेकर घर घर बेचते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो 30 रुपीज अर्न करके अपनी ग्रैनी को देते हैं, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। तो ये पार्ट बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही फेमिलियर टच देता है। सेकेंड चैप्टर जो मुझे बहुत पसंद आया वो पेटल्स ऑन द गंगा। जो टाइटल है बुक का वो एक स्टोरी भी है बुक के अंदर। इसका एक पार्ट मुझे बहुत पसंद आया अबाउट पीपल ट्री, ये मैं आपको सुनाऊँ। In the world where trees and forests are rapidly disappearing, there is one tree that will survive. For people, trees are believed to be the adopts of the spirit, and man who cuts so much as branch will be persuaded by that all the demons he has disturbed. ये चीज़ हिंदू कल्चर में बहुत ज़्यादा माना जाता है और इस बुक में मैंशन है। मुझे बहुत ज़्यादा ये बात पसंद आई और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा मुझे इस चीज़ ने, तो ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद आया। एक और चैप्टर जो मुझे बहुत पसंद आया, द विलेज इन गरवाल। इस बुक में वो अपने फ्रेंड के साथ उनके विलेज जाते हैं जो कि रिसेंटली आर्मी ज्वाइन करने वाले हैं। तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं, कैसे उनके बड़े भाई की वाइफ पूरे दिन हल्के हल्के काम करती हैं, धीरे धीरे पूरा उनका शेड्यूल चलता है, एंड कैसे वो 10 मील चल के स्कूल जाते थे और कैसे रात में वो जंगली जानवरों को भगाते हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। और भी चैप्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे द देहराइनो। एक्चुअली पूरी बुक ही बहुत अच्छी है, स्टोरी सारे ही बेस्ट हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। मेरी तरफ से मैं इस बुक को 4.5 स्टार्स देती हूँ। एंड अगर आपको ऐसे और भी रिव्यूज़ देखने हैं तो हमारे
चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस बुक की डिटेल्स हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, वहाँ से आप हमारे लिंक पे जाएं, इस बुक को खरीदें और पढ़ें। और जब आप इस बुक को पढ़ लें तो कमेंट्स में आकर हमें बताएं कि आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा पसंद आई। एंड कीप रीडिंग। थैंक यू।